नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC Tube TV पर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि फिंगर्स की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। फिंगर्स पर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। तो फर्स्ट रूल है कि आपको फिंगर्स पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट रूल है कि आपको 2 से लेकर 9 तक के टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट रूल है कि फिंगर एबेकस पर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करेंगे। स्कूल में हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट हम राइट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं देन लेफ्ट। जब भी आपको फिंगर एबेकस पर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले आप करेंगे लेफ्ट डिजिट को, उसके बाद मूव करना है राइट डिजिट की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि अगर आपको आंसर सिंगल डिजिट में मिलता है, लाइक 2 1 2, यहाँ पर आंसर मिल रहा है आपको सिंगल डिजिट में, तो आपको इसको चेंज करना है डबल डिजिट में। तो इसको डबल डिजिट में किस प्रकार से चेंज करेंगे, आपको नंबर से पहले एक जीरो ऐड करना है, यानी कि 2 से पहले ऐड करना है जीरो, आंसर चेंज हो जाएगा डबल डिजिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना फिंगर्स की हेल्प से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि 2 डिजिट्स को 2 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। तो यहाँ पर हमें 2 1 2 में सिंगल डिजिट मिल रहा है, तो इसको हम डबल डिजिट में किस प्रकार से चेंज करेंगे, हम ऐड करेंगे जीरो, तो 2 से पहले हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा डबल डिजिट में। 2 2 4, तो जीरो ऐड करेंगे 4 से पहले, तो आंसर आपको किस प्रकार से बोलना है, 04। 2 2 0 4, 2 3 0 6, 2 4 0 8, ओके 2 5 10, यहाँ पर तो डबल डिजिट में मिल रहा है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितने प्लेस वैल्यू की फिंगर्स की ज़रूरत होगी। ओके, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले आप करेंगे काउंट डिजिट्स को, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, यानी कि आपका आंसर मैक्सिमम 3 डिजिट्स में ही आएगा। 2 डिजिट्स में भी आ सकता है लेकिन 4 डिजिट में आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो आपको आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए 3 प्लेस वैल्यू की फिंगर चाहिए, यानी कि 100, टेंस एंड वंस। फिंगर्स पर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले पेपर पर समझ लेते हैं कि फिंगर एबेकस में मल्टीप्लिकेशन किया किस प्रकार से जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, यानी कि हमको 3 प्लेस वैल्यू की फिंगर चाहिए, 100, टेंस एंड वंस। तो हमको 3 प्लेस वैल्यू की फिंगर चाहिए, 100, टेंस एंड वंस। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से, 2 1 2, यहां पर आंसर मिला हमको सिंगल डिजिट में 2, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा डबल डिजिट्स में। तो किस प्रकार से करेंगे, 0 2, 0 आपको सेट करना है 100 प्लेस पर, 2 सेट करना है टेंस प्लेस पर। इसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है 2 को 5 से, 2 5 10, तो यहाँ पर हमको आंसर मिला है डबल डिजिट्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको सेट कहाँ से करना है, जहाँ पर हमने एंड किया था, हमने एंड किया था टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस से ही, यानी कि 1 यहाँ पर सेट होगा टेंस प्लेस की फिंगर पर और 0 सेट होगा वंस प्लेस वैल्यू पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 30। तो चलिए देखते हैं फिंगर पर किस प्रकार से करना है, 2 1 2, तो प्लेस वैल्यू हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं फिंगर एबेकस पर, राइट हैंड हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिट प्लेस को एंड 100 प्लेस को, एंड लेफ्ट हैंड हमारा रिप्रेजेंट करता है टेंस प्लेस डिजिट्स को। जब हम राइट हैंड की पोजिशन चेंज कर देते हैं तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 100 प्लेस वैल्यू एंड यूनिट प्लेस वैल्यू दोनों को। 2 1 2, 100 प्लेस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, ओके, और टेंस प्लेस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2, ये हो गया 2, ओके।
टू फाइव ज़ा टेन, वन ज़ीरो, आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टू ज़ा फोर, आंसर हमको मिला सिंगल डिजिट में, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा डबल डिजिट में, यानी कि 04। ये हो गया हमारा 100 प्लेस पर 0 एंड 10 प्लेस पर 4। टू थ्री ज़ा सिक्स, टेंस प्लेस पर 0 एंड यूनिट प्लेस पर 6, आंसर इज 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फोर जा एट, हमारा आंसर हुआ 08। 100 प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 8। टू वन जा टू, यानी कि हमारा आंसर हुआ 02। टेंस प्लेस पर 0, यूनिट प्लेस पर 2, आंसर इज 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिक्स जा ट्वेल्व, यानी कि 100 प्लेस पर, अब हमको 100 प्लेस पर सेट करना है 1। ये हो गया 1 100 प्लेस पर, तो ये हमारा 0 होता है 100 प्लेस पर, ये है 1। टू सिक्स जा ट्वेल्व, 1 2 12। टू नाइन जा 18, 1 नौ, 8 सेट करना है यूनिट रॉड पर, 5 6 7 8, आंसर इज, तो रीड कहाँ से करना है हमको आंसर, लेफ्ट टू राइट, ओके 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, ये हो गया 100 प्लेस पर 1, 4 टेंस प्लेस पर, 2 8 जा 16, अब हमको 1 सेट करना है टेंस प्लेस पर, प्लस 5 माइनस 4 एंड 6 यूनिट प्लेस पर, 5 1, तो हमारा आंसर हुआ 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 मल्टीप्लाई 2, 2 8 जा 16, 1 6, 2 4 जा 8, 0 8, 5 6 7 8, आंसर इज 168। लास्ट क्वेश्चन है 99 मल्टीप्लाई 2, 2 9 जा 18, ये हो गया हमारा 1 8 18, 2 9 जा 18, 1 8, 5 6 7 8, हमारा आंसर हुआ 198। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो हमने सीखा है कि टू डिजिट्स को टू से किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।